हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा 2019 सामाजिक विज्ञान के विषय के पेपर के बारे में, जो कि आज और अभी भी हुआ है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में आए हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था दीवाने आरिज क्या था। तीसरा प्रश्न था दोस्तों, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं दो समर्थकों के नाम बताइए। चौथा प्रश्न दोस्तों आया था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार है। पांचवा प्रश्न था, उत्पादन से क्या आशय है। छठा प्रश्न था दोस्तों, तृतीय क्षेत्र की किन्हीं दो गतिविधियों के नाम लिखिए। सातवां प्रश्न था, नीति आयोग का एक कार्य बताइए। आठवां क्वेश्चन दोस्तों था, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। गरीबी के दुष्चक्र का निहितार्थ क्या है। दसवां प्रश्न था, मौसमी बेरोजगारी क्या है। ग्यारहवां प्रश्न था दोस्तों, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, किन्हीं दो कार्यों को लिखिए। बारहवां प्रश्न था, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्मकालीन ऋतु में वर्षा के जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। इस जल स्रोत निर्माण हेतु किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। तेरहवां प्रश्न था दोस्तों, चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं वर्षा संबंधी आवश्यक दशाएं बताइए। चौदहवां क्वेश्चन सुमेलित करने वाला था, एक तरफ आपको कोयले के प्रकार दिए थे और दूसरे तरफ कार्बन की मात्रा दी गई थी, आपको इनको मिलान करना था। पंद्रहवां प्रश्न दोस्तों आया, लखनऊ के समीप गोमती नदी में मछलियों को मरने से बचाने के लिए आप कौन से दो उपाय सुझाएंगे। सोलहवां प्रश्न था, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही कोई चार योजनाएं लिखिए। सत्रहवां प्रश्न था, इंटरनेट के महत्व के कोई चार बिंदु लिखिए। अठारहवां प्रश्न था, वाहन चलाते समय चालक द्वारा कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, कोई चार लिखिए। उन्नीसवां प्रश्न था, स्वच्छता के कोई दो प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बीसवां प्रश्न था, धम्म यात्राएं दम महामात्र से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इक्कीसवां प्रश्न था, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या कदम उठाए थे। बाईसवां प्रश्न था, यूरोप में राष्ट्रवाद के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख कीजिए। तेईसवां प्रश्न था, आप लोकतंत्र की सफलता के लिए किन दो परिस्थितियों को आवश्यक मानते हैं, विवेचना कीजिए। चौबीसवां क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, इसके अथवा में आया था, स्वदेशी से होने वाले किन्हीं चार लाभों को समझाइए। पच्चीसवां प्रश्न आया था, सार्व के संस्थागत एवं गैर संस्थागत स्रोतों में भेद कीजिए। छब्बीसवां प्रश्न था, आपके अनुसार उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सत्ताईसवां प्रश्न था, राजस्थान में किसान आंदोलनों के क्या कारण थे, राजस्थान के किन्हीं दो किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। अथवा वाला प्रश्न आया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रथम आलंग मराठा युद्ध, द्वितीय आलंग मराठा युद्ध और गोविंद गुरु के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। अट्ठाईसवां प्रश्न आया था, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन। इसके अथवा में राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन। उनतीसवां प्रश्न आया, राज्यपाल की निम्न शक्तियों का विवेचन, जिसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों और विधायी शक्तियों के बारे में आपको वर्णन करना था। इसके अथवा में आया, उच्च न्यायालय से संबंधित निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए, न्यायाधीश की नियुक्ति एवं योग्यताएं, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान पूछे गए थे। तीसवां प्रश्न आया था, दिए गए भारत के मानचित्र में अंकित करना था महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, आगरा, सिक्किम व दिल्ली। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आज का पेपर था उसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों, आज ही और कुछ समय बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे के पूरे जो क्वेश्चन पेपर की है वो आंसर शीट मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।